प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को 21 दिनों तक लॉकडाउन कर लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दिए हैं। रविवार को डीसीएन लाइव टीम ने चौहटन कस्बे का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। कस्बे में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई तो वहीं किराना, मेडिकल व सब्जी की दुकानों पर चहल पहल बनी रही। वहीं कस्बे में कई स्वयंसेवी संगठन आगे आ रहे हैं जो कोरोना से उत्पन्न हुई आपदा से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला भी लॉकडाउन है और जिले के प्रशासनिक अधिकारी जिले के प्रत्येक कस्बे के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रत्येक कस्बों की अपडेट लगातार ली जा रही है। रविवार को डीसीएन लाइव की टीम चौहटन पहुंची और लॉकडाउन को लेकर चौहटन कस्बे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रविवार को चौहटन कस्बे में सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि किराने की दुकानों, सब्जी के ठेलों एवं मेडिकल स्टोर पर चहल पहल नजर आई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, लेकिन चौहटन कस्बे में कई स्वयंसेवी संगठन और भामाशाह आगे आकर जरूरतमंद परिवारों को राशन किट एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना के कहरम के बाद आज डीसीएन लाइव टीम पहुंची है विशेष रिपोर्टिंग के लिए चौहटन। इस वक्त हम चौहटन में हैं रूप सिंह जी राठौड़ साहब के यहाँ, जो चौहटन के जाने माने नागरिक हैं, तीन बार सरपंच भी रह चुके हैं, जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और राजनीतिक में भी कई अपनी लंबी चौड़ी अप्रोच रखते हैं। साथ ही उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफ़र तय किया है और जनता के बीच में लगातार इनका जुड़ाव रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए हम इनसे चौहटन की पूरी जानकारी के बारे में आज जानेंगे कि इसको कोरोना को लेकर चौहटन और चौहटन के नागरिकों की आसपास के गांव और डाणियों की क्या स्थिति है। वकील साहब, चौहटन की जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर, आपने वाच किया होगा, आप भी कहीं गए होंगे, भ्रमण किया होगा, तो क्या स्थितियां हैं? चौहटन के नागरिकों ने लॉकडाउन का और प्रधानमंत्री जी के आह्वान का भरपूर साथ दिया है। साथ ही उनके जो दैनिक कमाने वाले लोग थे, रोज़ाना खाने पीने के लिए मजदूरी करते थे और शाम को अपना सामान ले जाकर आजीविका करते थे, उनके लिए बहुत ही खराब और दयनीय स्थिति है। सरकार को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशन मुहैया कराए ताकि वे अपने परिवार का लालन पालन कर सके। सरकार पूरे प्रयासरत है, सरकार के दावे हैं कि हर गरीब तक, हर तबके के लोगों तक भोजन मिले और वो कोई भूखा न सोए। चौहटन की स्थितियों के बारे में आप बता सकते हो कि क्या ये सरकार के दावे धरातल तक पहुंच रहे हैं? इसमें कुछ पहले जो सर्वे हुए अन्न योजना में, उसमें कुछ लोग वंचित रह गए और जो उसमें योग्य नहीं थे और मातबर थे, उन लोगों ने भी अपने नाम लिखवाकर सरकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि सरकार पुनः इस बात में सर्वे करे और जो गरीब वंचित रह गए हैं उनको अन्य योजना में शामिल करते हुए उनके परिवार को लालन पालन करे। चौहटन में वर्तमान में मार्केट बंद है, लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं, ढाणियों में हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि उन तक राहत सामग्री या सुविधाएँ पहुँच रही हैं? नहीं, चौहटन में अभी जिस प्रकार पहले परचून की दुकानों को छूट दी गई थी, मगर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने के कारण फिर वापस दुकानें बंद करवानी पड़ी और साथ ही जो बाहर गाँव में लोग हैं वे बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं, उनके कमाने वाला मुश्किल है और उनको राशन पानी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरी सभी से आग्रह है कि ऐसे परिवारों का चयन करके उनको तुरंत राहत दिलाई जाए ताकि वे अपना भरण पोषण कर सके। वर्तमान स्थितियों के चलते जिला प्रशासन द्वारा चौहटन में जो व्यवस्थाएं की गई है या चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? चिकित्सा व्यवस्था में तो अच्छी उन्नति है, मगर जो लोगों के लिए भोजन की और जो राशन की व्यवस्था है वो सरकार की ओर से कमज़ोर व्यवस्था है और न तो ग्राम सेवक और न ही पटवारी उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको आवश्यकता है। वैसे आवश्यकता वाले व्यक्ति अभी भी सरकार की ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं।
ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना का कहर है, लोग घरों में कैद है, बाजारों में सन्नाटा है, आवश्यकता अनुसार लोगों के घर तक सामग्री पहुंची नहीं पहुंची इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, तो चौहटन क्षेत्र में आप द्वारा या भामाशाह द्वारा अब तक जो प्रयास किए गए हैं वो कितने सार्थक हुए हैं, उनसे लोगों को, गरीब मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को कितनी मदद पहुँची, आप क्या मानते हैं? हमारे बिरादरा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपये दिए गए। हमारे डूंगरपुरी जी मठ की ओर से मैं जगदीशपुरी जी ने भी 51,000 रुपये दिए और मेरे द्वारा यहाँ हमेशा पिछले 10 दिनों से 500 पैकेट भोजन के बनाकर गरीब लोगों में वितरित किए जाते थे, परंतु अभी जो बनाने वाले कंदोई वगैरह रहे उनको प्रशासन ने दबाव दिया, इसलिए वो आज व्यवस्था हमको बंद करनी पड़ी। मुझे खेद है कि ये व्यवस्था अगर चालू रहती तो लगातार मैं गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाता। मतलब इसका कोई खास रीज़न है कि जो आपके यहाँ भोजन सामग्री पकाने के लिए लोग आते थे उनको रुकवाया गया, आपको क्या महसूस हो रहा है, उनको रुकवाया गया या प्रेशर में रोके हैं या और कोई रीज़न? उनको यही डराया गया कि तुम लोग इकट्ठे रहोगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, आने जाने वाले लोग, बांटने वाले लोग, बाहर जाकर जहाँ वितरण करोगे वहाँ से लोगों के बीच में आप जाकर इस कोरोना के खतरनाक वायरस को आप फैलाओगे, इसलिए आप ये काम आप बंद करो। वकील साहब ने यहाँ की स्थितियों के बारे में अवगत कराया, जो भोजन आम जन के लिए यहाँ पकाया जा रहा था उसको प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया है, ऐसा इन्होंने बताया और उसके पीछे उन्होंने कई रीज़न बताए हैं। बहरहाल कुछ भी स्थितियाँ हो सकती है, लेकिन वर्तमान स्थितियाँ से रूप सिंह जी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वकील साहब, आप DCN लाइव के माध्यम से आसपास के गाँव और ढाणियों के नाम बताते हुए प्रशासन तक अपना कोई संदेश पहुँचाना चाहे तो ऐसे कौन से गाँव हैं, ऐसी कौन सी ढाणियाँ हैं जहाँ लोग दुखी और परेशान हैं? मत्तय का तला में, पंदाणियों का तला मेघवाड़ बस्ती है, भीलों की बस्ती नेत्राड़ में है, भीलों की बस्ती ढोक में है, इसी तरह भीलों की बस्ती सणाऊ में है, और आज घानिया और बिजराड़ में भी जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं उनका साधन नहीं होने के कारण ऐसे गांवों में भी उनका चयन करके उनको सामग्री पहुँचाई जाए तो बेहतर रहेगा। ये थे राठौर रूप सिंह जी, जो पैसे से वरिष्ठ अधिवक्ता है, चौहटन का इन्होंने सरपंच रहते हुए 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, जिला परिषद सदस्य रहे हैं। इन्होंने अब तक जो स्थितियां बताई वो कहीं न कहीं ये जाहिर करती हैं कि चौहटन क्षेत्र में राहत के नाम पे जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएँ पूर्ण नहीं है, उससे ये संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि कहीं न कहीं इन बातों की जांच करें और प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, जिससे गरीब तबके के लोग जो गांव ढाणी और दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं उन तक उचित योजना का लाभ पहुंचे। कैमरामैन प्रकाश खत्री के साथ शिव प्रकाश सोनी। कोरोना संक्रमण के चलते उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चौहटन कस्बे में एक संस्थान ने नो लॉस नो प्रॉफिट की तर्ज पर किराना उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। वहीं इस संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवारों के लिए अपने स्तर पर राशन किट उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्था के अनुसार आपदा की स्थिति में हर किसी को जरूरतमंद को मदद करनी चाहिए, स्थितियों में सुधार हुआ तो मुनाफा बाद में भी कमाया जा सकता है। हम चौहटन में खड़े एक जैन समाज के युवा द्वारा एक किराने की दुकान जो बिन प्रॉफिट से दुकान खोली गई, हमारे साथ है किराना के व्यापारी पीयूष धारीवाल। ये आपने दुकान कब खोली? हमने ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके एक दिन बाद हमने सोचा कि गरीबों के भलाई के लिए हमने नो प्रॉफिट और नो लॉस के लिए सभी को आई बिक्री रेट में माल दे रहे हम, और कोई गरीब परिवार को उनको हमारे तरफ से किटे भी हमने 2000 जारी की सब बनाई हमने हमारी टीम पूरी ने, तो हमने 2000 किट भी सभी को हमारे STM साहब को हमने वितरण किए थे, और हमने मास्क भी अभी बनाए हैं 1000, और हमारी युवा टीमों ने वो हमारी मास्क भी हमारे सामने है आपके, अब जो भी हमारे किराने में आएगा उसको सभी को हम मास्क दिया जाएगा।
कोरोना वायरस को लेकर पूरे दुनिया में आज महामारी फैली हुई है। जिस तरीके से आज इस कोरोना वायरस को लेकर जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं वो गरीब दिहाड़ी मजदूर और जो जिस तरीके से सुबह कमाते हैं और शाम को खाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज चौटन के अंदर चौटन की आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि चौटन के क्या हाल है, किस तरीके से हैं। एक दादावड़ी है जो जैन युवा ग्रुप एक मंडल बनाया इन लोगों ने एक गरीब परिवारों के लिए, जिस तरीके हालांकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टेंट हाउस है। इन युवाओं ने मिलकर होलसेल में किराना का सामान खरीद कर उसी खरीद रेट के अंदर आम गरीब मजदूरों को बेचा जा रहा है, गरीब लोगों को दिया जा रहा है। उसके अंदर आप मैं बता सकता हूँ किस तरीके से क्या क्या सामान है, जैसे ये तेल है और ये जो इनकी रेट है जो होलसेल रेट है तो होलसेल रेट के अंदर ही रेट दे रहे हैं। ये कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के मार्केट से खरीद कर उन लोगों दे रहे हैं जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। एमआरपी भी नहीं दे रहे हैं, जो होलसेल रेट से लाए हैं उन्हीं को दे रहे हैं। तेल जिस तरीके से है, घी है वगैरह है। और अगर इनके पास में अगर कोई गरीब ऐसा भी अगर आता है तो उसके पास में पैसा नहीं है, अगर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त भी वो किराने का सामान दिया जा रहा है 5 से 10 दिन तक का। लेकिन इन्होंने बहुत एक अच्छी पहल की है कि उन लोगों को मास्क भी वितरण किया जा रहा है, किराने का पूरा सामान वितरण किया जा रहा है हर तरीके से। जबकि आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ टेंट हाउस है, सिर्फ इन्होंने गरीब परिवारों के लिए जो रेट आ रही है बिना प्रॉफिट में उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और ये भी एक लोगों को एक पता है कि ये एक दुकान है, अगर कोई गरीब आता है तो उसको फ्री में भी दिया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमी जी, आप बताएं कि किस तरीके से ये किया जा रहा है और लोगों को घर घर डिलीवरी जा रही है, क्या मतलब जो सामान मंगा रहे फ़ोन करके उनको घर पे सामान पहुंचा जा रहा है। गेहूं का कट्टा वगैरह है, चावल है, कोई भी घी है, चीनी है, हर समय उनको जो फ़ोन करते हैं उनको घर पे इतना घर सभी लॉकडाउन है पूरा घर पे। सबसे बड़ी बात ये है कि कॉल करके ये मतलब आने की जरूरत ही नहीं है। अगर गांव वाले भी अगर कॉल करते हैं, कॉल के ऊपर ये युवा ग्रुप है मोटरसाइकिलें लेकर खड़े हैं, जो सामान जो मंगवा रहे हैं उनको पैक करके वहां घर तक पहुंचाया जा रहा है। वो भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, जो रेट आई है उसी रेट के अंदर दी जा रही है। और क्या क्या, और जैसे गरीब अगर कोई आता है जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए क्या करते हैं? उसको भी देते हैं, उनको बोल देते हैं तेरे कुछ नहीं है तो हम उनको किट जो भी है हमारे हिसाब से उनको दे देते हैं। 300-400 रुपये का 500 रुपये तक का किट हम फ्री दे देते हैं। अच्छा, हाँ तो उनको गरीब आदमियों को फ्री भी दे देते हैं तो कई लोगों को ये राहत मिलती है कि जिस तरीके से घर बैठे एक जो सोशल डिस्टेंस का भी रह जाए, लोग घरों में रह जाए, एक बहुत बड़ी बात है। अगर चौटन के अंदर सबके अगर दिमाग में ये चीज़ है कि हमें घर पे ही रहना है और घर रहते अगर उनको किराना सब्जी अगर घर पे आ रही है तो बहुत एक बड़ी बात है। कैमरा पर्सन प्रकाश खत्री के साथ कन्हैयालाल डलोरा, DCN लाइव। वहीं लॉकडाउन के 22वें दिन रविवार को चौटन कस्बे में इक्के दुक्के लोग नजर आए, पुलिस बल भी मुस्तैद नजर आया। कस्बे के मुख्य बाजार समेत चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर पुलिस के जवान नजर आए। पुलिस ने आवाजाही कर रहे वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ की, वहीं अनावश्यक बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। DCN लाइव से खास बातचीत करते हुए चौटन DYSP अजीत सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस बल कस्बे भर में तैनात है और आमजन से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अनावश्यक सड़कों पर पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और सरकार और जिला प्रशासन से मिल रहे निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। कोरोना को लेकर DCN लाइव की टीम इस वक्त चौटन में है और चौटन में कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं उसमें पुलिस की किस तरह से व्यवस्था है और लोगों का उनको किस तरह से साथ मिल रहा है या कहीं कुछ कमियां हैं, इसको लेकर चौटन के पुलिस उप अधीक्षक आज हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि चौटन की पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थितियां हैं। जी साहब, चौटन की क्या स्थितियां हैं कोरोना को लेकर? चौटन में हमने आम पब्लिक की सुविधा के लिए किराने के जितने भी दुकानें हैं उनको हमने खुला छोड़ रखा है। मेडिकल की दुकानें खुली है, सब्जी की दुकानें खुली है, लेकिन उसमें हमने उनको सबको पाबंद कर रखा है कि आप कोई भी 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी इकट्ठे एक साथ इकट्ठे नहीं हो, उनको गोले बना के उसमें खड़ा करें, एक एक आदमी को बुलाएं, उनको आप सप्लाई करें, उसके बाद उनको रवाना कर दें, ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होने दें। और जो फालतू के लोग कई बार निकल जाते हैं गाड़ी लेके या फोर व्हीलर लेके या मोटरसाइकिल लेके कि भाई क्या हो रहा है क्या देख रहे हैं, एक उत्सुकता होती है कई दिन से जो घर में बैठे हैं, तो उनको हम रोकते हैं, उनकी गाड़ी सीज करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उनको हम 151 में भी करते हैं। तो इससे काफ़ी कंट्रोल हुआ है चौटन के अंदर। तो अब लोग धीरे धीरे अब बिल्कुल घरों में
रहना आ गया है उनको और वो लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। ऐसी कोई स्थितियां चौटन में नज़र आई जहां बार बार समझाने के बावजूद भी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं या जवानों को कोई दिक्कत हो रही हो ऐसा कुछ? हाँ, ऐसी जगह तो कोई नहीं है, लेकिन जब ये पैसे जमा हुए थे बैंकों के अंदर तो सबसे ज़्यादा लेडीज़ जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जो महिलाएं हैं वो पैसे लेने के लिए आती है, तो उनको समझाते हैं, पुलिस भी खड़ी करते हैं, पुलिस को भेजते हैं, उसके बाद वो ई मित्र को और उनको कहते हैं अब आप खोलो या बैंक को खुलवाते हैं या राशन की दुकान को पहले पुलिस भेज के फिर खुलवाते हैं, उसके हिसाब से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको पाबंद करते हैं और पुलिस परमानेंट भी वहीं रखते हैं, इस वजह से उनको थोड़ा दूर रहे और ऐसा कोई आपस में मिले नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वो मतलब आपस में इकट्ठे होकर बातें करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको फिर पुलिस की समझा इसके बाद वो मान जाते हैं। लंबा समय हो गया है, पुलिस भी नियमित रूप से गश्त में है, आपके और एसपी साहब के निर्देशों के पालना को लेकर वो बाकायदा ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस लंबे पीरियड के अंदर कहीं जवानों को कोई दिक्कत या ऐसी कोई आपके लिए पुलिस जवानों के लिए कोई विशेष व्यवस्था या इंजाम है कुछ? हाँ, हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स है नहीं, तो एसपी साहब ने हमारे को होमगार्ड के जवान दिए हैं, तो उनको हम रूटीन में ड्यूटी चेंज करते रहते हैं और पुलिस गाड़ी के अंदर भी अलग अलग टाइम टू टाइम अलग अलग स्टाफ को लगा के पुलिस चौटन के अंदर, चौटन के आसपास के कस्बों के अंदर, सेड़वा में, गडरा रोड, रामसर, गिराब, बाकासर, सब जगह हमने अलग अलग स्टाफ को बारी बारी से, जिससे एक ही आदमी बार बार ड्यूटी नहीं दे और समय समय से चेंज होते रहते हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती स्टाफ को। और स्टाफ भी अगर उनको बार बार ड्यूटी के लिए भी कहते हैं तो कोई आनाकानी भी नहीं करता है और कोई मना भी नहीं करता है। इन दिनों में आपके स्टाफ में या इस तरह से किसी तरह की कोई तकलीफ ऐसा कुछ जो ड्यूटी करने में कोई परेशानी हो रही हो, क्योंकि लंबा समय चल रहा है, उन दिनों में अगर आपके सामने ऐसा कोई कैसे जाया जो आपके जवान कोई परेशान हो रहे हो या? हाँ, परेशानी तो कोई अभी तक तो हमारे चौटन सीओ सर्कल के अंदर कहीं किसी थाने में ऐसा कोई नहीं आया कि भाई कोई ड्यूटी के लिए मना कर रहा हो या ड्यूटी नहीं दे रहा हो, ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा जानकारी में नहीं आया अभी तक। ये थे चौटन पुलिस उपाध्यक्ष जिन्होंने चौटन को लेकर स्थितियों से अवगत कराया। ये व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट है और अपनी पूरी टीम से भी संतुष्ट है जो नियमित रूप से निर्देशों की पालना करते हुए वक्त वक्त पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और एसपी साहब के निर्देशों का पालन करते हुए ड्यूटी भी रनअप कर रहे हैं ताकि एक जवान को बार बार परेशान नहीं होना पड़े। कैमरामैन प्रकाश खत्री के साथ शिव प्रकाश सोनी, बाड़मेर। डीसीएन लाइव के चौटन कस्बे के दौरे के दौरान चौटन कस्बे में लॉकडाउन की पालना को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई। कस्बे के अधिकारियों की मॉनिटरिंग के चलते रविवार को कस्बे के हालत संतोषजनक नजर आए। आवश्यक दुकानों के अलावा कस्बा पूर्णतः बंद नजर आया और पुलिस आमजन को घर में रहने की अपील करती नजर आई।